आप देख रहे हैं द इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो। आजकल लोगों को जो है वो बूढ़ा होने का शौक आ गया है। आजकल लोग जो है वो देखना चाहते हैं कि बुढ़ापे में उनकी जो शक्ल है वो कैसी लगेगी, जबकि हकीकी ज़िंदगी में कोई नहीं चाहता कि वो बूढ़ा हो जाए। हर कोई जो है अपनी ओल्ड एज से डरता है, आने वाले बुढ़ापे से डरता है, लेकिन आजकल वो अपने आप को देखना ज़रूर चाहता है कि मैं बुढ़ापे में कैसा लगूंगा या मैं बुढ़ापे में कैसा लगूंगी। और इसके लिए मदद कर रहा है फेस ऐप। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, इसके लिए हेल्प कर रहा है फेस ऐप। फेस ऐप एक ऐसा ऐप मार्केट में है जो कि तेज़ी से जो है जिसके यूज़र्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 150 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स जो हैं इसके हो चुके हैं। हालांकि 2 साल पहले ये ऐप मार्केट में आ चुका था, लेकिन जो इस वक्त इसको रफ्तार मिल रही है, ऐसी रफ्तार इस ऐप में पहले कभी नहीं थी। लोग जो हैं इसको यूज़ कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हम बुढ़ापे में कैसे लगेंगे। इसके अलावा भी बहुत से फीचर्स इसमें हैं, लेकिन जो ओल्ड एज फीचर है वो लोग जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं फेस ऐप चैलेंज। इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर फोटोग्राफ जो हैं वो अपलोड हो रहे हैं। जब कोई चीज़ इतनी तेज़ी से ट्रेंड करे तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यह ऐप जो है कितना सेफ है आप लोगों के लिए और कितना अनसेफ है, क्योंकि ये एक रशियन कंपनी का ऐप है। और लोगों का मानना, कुछ लोगों का मानना ये है कि रशियन कंपनी जो है इस ऐप से आपकी प्राइवेसी भंग कर रही है। इस ऐप से रशियन कंपनी जो है आपकी इंफॉर्मेशंस को चुरा रही है, चुराने के बाद जो है वो अपने पास अपने सर्वर्स पे जो है सेव कर रही है। क्योंकि जब भी आप इस ऐप को अपलोड डाउनलोड करेंगे, यूज़ करने से पहले ये एक्सेस मांगता है। एक्सेस में ये कहते हैं कि हम आपके फोटोग्राफ को जो है वो सर्वर पर अपलोड करेंगे। तो जो लोग इस पर शक कर रहे हैं उनका तर्क ये था कि आखिर ये बिना इंटरनेट के ऐप क्यों नहीं चलता। हालांकि ये ऐप लगभग जो है स्नैपचैट, इंस्टाग्राम की तरह है, लेकिन उसमें अगर आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो उसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फेस ऐप में आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये फीचर जो है वो शक पैदा कर रहा है लोगों के अंदर, आखिर जो है इंटरनेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसमें जो मेकर्स हैं, जो रशियन मेकर्स हैं इस ऐप के, उन्होंने बताया है कि ये जो है एक हाईली प्रोफेशनल ऐप है और जो फीचर्स जो हैं हर मोबाइल में नहीं होते हैं, हर मोबाइल में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो आपके फोटोग्राफ्स को चेंज कर सके, फीचर्स को चेंज कर सके। तो इसलिए हम फोटो को जो है वो अपने सर्वर्स पे लेते हैं और कुछ ही सेकंड्स में जो है आपको उसका रिजल्ट्स दे देते हैं। दूसरी बात इसमें ये आ रही है कि इसमें प्राइवेसी जो कंटेंट उसमें लिखा गया है वो कुछ ख़तरनाक तरीके से लिखा गया है। वो इतने ख़तरनाक तरीके से लिखा गया है कि इन्होंने कहा है कि हम आपके जो फोटोग्राफ्स हैं वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको इसमें कोई हक नहीं होगा। तो इसका ये फीचर, ये जो प्राइवेसी है, ये भी आपको डरा रहा है। बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि वो आपको डराने के काम और कर रही हैं, क्योंकि एक चीज़ हम इसमें जान लें कि ये ऐप जो है वो रशियंस ने बनाया है और ज़्यादातर ऐप्स जो होते हैं वो अमेरिकन जो हैं वो डेवलप करते हैं। और रशियन और अमेरिकन में वही कहानी है जो कहानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में है। दोनों के बीच में एक तनातनी चलती है। तो रशियंस ने ऐप बना दिया है तो जाहिर सी बात है इस ऐप को डाउन करना तो लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि रशियन कैसे इस ऐप को बना सकता है। हालांकि रशियन ज़्यादा ऐप नहीं बनाते हैं, बहरहाल इनका ये ऐप जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो अब आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि ये ऐप फिर कितना सेफ़ है, कितना अनसेफ है। तो अगर मैं कहूँ, जैसा कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो डेटा से बात कर रहा हूँ, जो डेटा जो लोगों ने एनालाइज़ किया है, हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इस डेटा को क्या करते हैं, इस डेटा को सर्वर पर क्यों रखते हैं, जबकि हर बार जो इसके मेकर्स हैं उन्होंने सफाई दी है, सफाई पेश करी है। उस सफाई में इन्होंने कहा है कि हम सिर्फ आपके जो फोटोग्राफ्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे के लिए ही सर्वर्स पर रखते हैं और उसके बाद उन फोटोग्राफ्स को जो है हम डिलीट कर देते हैं। और एक और अच्छी बात इन्होंने कही है, अगर उसके बाद भी आप चाहें तो उसके बाद भी आपको यकीन नहीं होता कि ऐप आपके फोटोग्राफ्स सर्वर से डिलीट हो चुके हैं, तो आप सेटिंग्स में जाके राइट अ बग में जाइए और उसमें प्राइवेसी लिखिए। प्राइवेसी लिखने के बाद जो है एक ऑप्शन आएगा डिलीट माय डेटा। डिलीट माय डेटा को चूज करेंगे जब आप, तो आपका सारा डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। ये चीज़ जो है कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन अगर मैं इस चीज़ के बारे में बात करूं या कुछ और लोगों ने इस बारे में बात की है, तो मेरे ख्याल से शायद ये ऐप इतना ख़तरनाक नहीं है जितना ख़तरनाक फेसबुक है।
मेरे ख्याल से फेसबुक या और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये बात इसके मेकर्स ने भी कही थी फेस ऐप के हम सिर्फ फोटो लेते हैं और फोटो से कोई भी जो नाम है उसको हम अटैच नहीं कर सकते, फोटो से आपकी जो प्राइवेसी है वो भंग नहीं हो सकती, या रीयूज में हम आपका फोटो जो है नाम आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं भी अगर हम आपका फोटो डाल रहे हैं, कहीं यूज कर रहे हैं, तो आपका डेटा जरूरी है, जबकि हम अपने ऐप में किसी से साइन इन नहीं कराते हैं। जी हाँ, ये ऐप मैंने भी डाउनलोड किया, मैंने भी इसमें देखा कि यहाँ कोई भी साइन अप नहीं है, नहीं आपसे साइन इन कराना होता है, केवल आपको या तो फोटो खींच के या अपनी गैलरी से एक फोटो इसके सर्वर्स पर अपलोड करना होता है, चेंजेस के लिए अप्लाई करना होता है, कुछ ही सेकंड्स में रिजल्ट्स होते हैं वो आपके सामने होते हैं। अगर मेरी आप राय माने तो ये ऐप अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इतना खतरनाक नहीं है, बनिस्बत दूसरे ऐप इसके मुकाबले ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप उस पर अपना नाम, अपनी पहचान, अपना काम, अपने लाइक्स, अपने डिसलाइक, सारी तमाम अपनी ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं उस पर आप शेयर करते हैं, लेकिन ये ऐप सिर्फ आपसे मांग रहा है आपका एक फ़ोटो और आपको दिखा रहा है आपका बुढ़ापा, जो कि आप हकीकत में नहीं चाहते हैं लेकिन देखना भी चाहते हैं। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। आप भी कमेंट्स में हमें लिख के बताइए कि आपको ये ऐप कितना सेफ़ लगता है या कितना अनसेफ लगता है। मैं यासिर मसूद आपसे लेता हूँ अलविदा। जय हिंद।